हे, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ और अभी मैं उठा हूँ सोकर। टाइम हो रहा है 7:30। यहाँ पे अंधेरा कुछ ज़्यादा है, पहले लाइट ऑन करते हैं यहाँ की। कुछ रोशनी हो गई है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ। मम्मी सो रही है ना, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। उनकी तबीयत भी नहीं सही है। अभी चल के पहले ब्रश करते हैं एंड फ्रेश होते हैं। अभी मैं नहा चुका हूँ, नहा के फ्रेश हो चुका हूँ। थोड़े बहुत कपड़े वपड़े थे, मैंने धो दिए। अब जो है धूप बहुत तेज़ लगी है, तो भाई मैं खाना निकाल लाया हूँ। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरी मम्मी ने ये मीट बनाया है और ये सिर्फ नमक मिर्चे का है, जैसा कि मम्मी ने बताया। चलिए, खाना तो हो गया, अब लग रहा है कुछ पेट भरा है। खाना वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सच में मज़ा आ गया। मैं बहुत दिनों के बाद में आया हूँ यहाँ अपने घर पे, 3 महीने के बाद। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए हम लोग घर पे थे नहीं, हॉस्पिटल में थे। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी की तबीयत अब बेहतर है, तो मम्मी ऑफिस गई हुई हैं, तो मेरी बहन है वो खाना बना रही है आजकल। लेकिन जो मैंने अभी खाया, ये मेरी मम्मी ने खाना बनाया था। अब मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ एंड थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मम्मी ने मुझे आवाज़ दी है, मम्मी के पास आया हूँ। पैर दबाने को कह रही हैं, पता नहीं सब क्या था, शायद मीटिंग चल रही है। तो मम्मी कह रही हैं पैर दबा दो, तो मम्मी ये पैर दबा रहा हूँ। आपको ऑफिस कब जाना है? 4 बजे मम्मी को ऑफिस जाना है। अभी मम्मी सो रही हैं, एक्चुअली अभी मम्मी ऑफिस से आई हैं थोड़ी देर पहले, और आजकल उनकी तबीयत भी नहीं सही है, इस वजह से 1-2 घंटे के लिए घर पे आती हैं, आराम करती हैं एंड फिर उसके बाद 3 या 4 बजे फिर जाती हैं। उन्होंने मुझे पैर दबाने के लिए कहा है। देखिए, अम्मी अब्बा की खिदमत करना हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोलता है। एक हदीस है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी अम्मी मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज तोड़ कर उनका कहना सुनता, और माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर ये दोनों हमसे राजी हैं तभी हमें जन्नत मिलेगी, वरना हमको जन्नत नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें अपने मम्मी अब्बा की हर बात सुननी है, हर कहना सुनना है। अगर वो हमें बाई चांस रात को बुलाते हैं और हमसे कहते हैं कि रात भर खड़े रहो, तो हमें रात भर खड़े रहना है, उनसे क्वेश्चन नहीं करना है। ये है माँ बाप का मर्तबा। ये दोनों इररिप्लेसेबल हैं, एक बार चले जाते हैं दोबारा नहीं मिलते, तो इनको तो बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। तो भाई पैर मैं दबा चुका हूँ, जो मैंने आपको बताया उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अपनी मम्मी का हर कहना सुनिएगा और उनकी हर बात मानिएगा और उन्हें हर्ट मत करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।